चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर प्री मुगल पीरियड। इसमें बच्चों वी आर ऑन दी पेज नंबर 10 एंड कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम वो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर। पहले तो हम बात करते हैं बच्चों फॉर्मेशन वर्ड की। फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना और एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, यानी भारत में कहां कहां कौन से साम्राज्य बने हम वो पढ़ेंगे। सेवरल स्मॉल किंगडम्स वर सेट अप इन द नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कुछ ऐसे किंगडम्स, मैंने यहाँ पे भी लिखा है बच्चों नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, यानी पहले हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। सेवरल स्मॉल किंगडम्स वर सेट अप इन द नॉर्थ इंडिया, दीज किंगडम्स हैड इनिशिएटेड अ वायलेंट वॉरफेयर अमंग देमसेल्व्स, स्टिल हाउएवर सम ऑफ द स्मॉल किंगडम्स सच एज दोज ऑफ पालास ऑफ बंगाल्स एंड द चोलास ऑफ साउथ इंडिया लास्टेड फॉर 4 सेंचुरीज। कुछ ऐसे किंगडम्स बने थे बच्चों, लेकिन इन किंगडम्स में ये था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कि ये आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहते थे, बराबर एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते थे। और ऐसे कुछ किंगडम्स है जैसे हम बात करें कि पाला या पाल वंश के जो लोग थे बंगाल के, और चोल वंश के या चोला वंश के जो राजा जो थे वो साउथ इंडिया में, उन लोगों ने 4 सदियों तक यानी 4 सेंचुरी तक भारत में राज अपना किया। बट दिस किंगडम्स वर कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद देयर नेबर्स, ये क्या करते थे अपने जो पड़ोसी जो राज्य थे उनके साथ बराबर युद्ध करते थे। टर्की सेक्रेटरी टूक द बेनिफिट ऑफ दीज वीकनेसेस एंड ट्राई टू ब्रिंग दिस किंगडम अंडर देयर कंट्रोल। टर्की के यानी तुर्किस्तान से आने वाले जो राजा थे बच्चों, उन्होंने ये सोचा कि ये आपस में जब हम युद्ध कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, और उन्होंने अपना किंगडम यहाँ पे सेट करने के लिए सोचा, पूरा कंट्रोल लेने के लिए सोचा। अलाउद्दीन खिलजी सक्सेडेड इन एस्टैब्लिशिंग अ वास्ट एम्पायर, इन्हीं में से अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो यहाँ पे एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। बट इट वर द मुगल्स एम्परर्स इन द 16th एंड 17th सेंचुरी व्हेन दे सक्सेडेड इन एस्टैब्लिशिंग एम्पायर अक्रॉस इंडिया। लेकिन औरंगजेब जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे बच्चों, वो पूरे भारत में अपना एम्पायर नहीं स्थापित कर पाए थे। पूरे भारत में अपना एम्पायर पूरा राज्य स्थापित करने वाले जो प्रजाति जी थी बच्चों, वो थे मुगल्स, जिन्होंने 16वीं और 17वीं सदी में अपना साम्राज्य भारत में जमा लिया। आगे हम बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी केमिस्ट्री ऑप्टिक्स एंड मेडिसिन टुक शेप इन द इनवैल्यूएबल अकाउंट इन दिस सेंचुरी। इन सदी में किन किन चीजों का विकास हुआ, जब बच्चों मुगल भारत आए तो एस्ट्रोनॉमी की बात करें हम लोग तो एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र मैंने बताया था, ज्योग्राफी भूगोल के विषय में, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में, ऑप्टिक्स मेडिसिन, इन सारी चीजों में भारत ने बहुत प्रगति की, बहुत प्रोग्रेस की। एक्चुअली बच्चों जो मुगल जो राजा थे ये इस तरीके के जो लोग थे जो नए इन्वेंशन करते थे, नए खोज करते थे, उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। दे अरब्स वर सेड टू बी द वर्ल्ड लीडर इन द फील्ड ऑफ साइंस, अरब के जो लोग थे वो बच्चों विज्ञान की क्षेत्र में पूरी दुनिया के लीडर्स कहलाते थे, पूरी दुनिया के नेता कहलाते थे। सेवरल लीडिंग लाइब्रेरीज एंड साइंटिफिक लेबोरेटरीज वर सेट अप इन अरब एंड द स्टार्टिंग ऑफ द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी की शुरुआत में ही अरबिक जो कंट्रीज थे, मैंने बताया था बच्चों बगदाद की बात करें या हम लोग ऐसे सारे कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे उन्होंने साइंटिफिक लेबोरेटरीज थी वो उन्होंने उसी वक्त इस्टैब्लिश कर ली थी, उसी वक्त उनकी स्थापना कर ली थी, और वो लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे।